है माहौल पन्नीलाल चौक का? पन्नीलाल चौक का विसर्जन है बीजेपी का। बीजेपी का विसर्जन? बिल्कुल विसर्जन विसर्जन है। मध्य प्रदेश में आम जनता से रास्ते चलते किसी से आप पूछिए। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं एमपी वॉच। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम दल के प्रत्याशी जनता के बीच अलग अलग दावे और अलग अलग वादे पेश कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता किसके वादों पर एतबार कर प्रदेश में सरकार बनाती है। अभी हम हैं सतना विधानसभा के पन्नीलाल चौक स्थित मशहूर शौकी लस्सी वाले की दुकान के पास, और यहाँ पर कुछ लोग लस्सी का लुत्फ ले रहे हैं और कुछ लोग चाय का लुत्फ ले रहे हैं। हम बात करेंगे कि आप लोगों के मन में सतना विधानसभा चुनाव को लेकर क्या चल रहा है। क्या नाम है भैया? अमित। कहाँ के रहने वाले हैं? यही सतना के। सतना में कौन सी कॉलोनी? बरदाडी। बरदाडी, तो बरदाडी में क्या माहौल चल रहा है? बदलाव का माहौल चल रहा है। बदलाव का? बदलाव क्यों? बदलाव 20 साल हो गए, अब हो गया बस। तो 20 साल से जो काम कर रहे हैं, काम ही तो नहीं कर रहे हैं ना। अच्छा, हो सकता कम कर रहे हो तो वो शायद सामने वाले अच्छे कर दें। और अच्छा, तो आप बीजेपी प्रत्याशी जो सांसद गणेश सिंह की बात कर रहे हैं, उनका बदलाव करना है या मौजूदा विधायक का बदलाव करना है? सांसद जो विधायक आ गए हैं ना। अच्छा, हाँ, तो इस वजह से करना भाई। वो तो यही लेके चलेंगे ना कि अपना 20 साल का काम ना गिनाएंगे। हाँ हाँ, है ना। तो वो नहीं, अब नहीं सुनना, अब देख लेते हैं इस बार विधानसभा में। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी रह गई? चार बार के सांसद हैं जो कमी नहीं, जब लोकतंत्र बना बदलने के लिए ना, तो बदल ही देना चाहिए, चाहे काम कितना भी अच्छा कोई किया हो। अच्छा, एटीट्यूड आ जाता है ना सामने वाले नेताओं, एटीट्यूड आ जाता है। मौजूदा विधायक जो हैं सिद्धार्थ कुशवाहा और बीएसपी से हैं शिवा चतुर्वेदी रत्नाकर, तो आप शिवा उनके सिद्धार्थ के काम से आप संतुष्ट हैं? वो भी 5 साल से यहाँ विधायक है। अब काम कब क्या कह दें, सत्ता में तो थे नहीं। अच्छा, तो आदमी देखिए कार्य से देखा जाए तो तीनों को ही नहीं पसंद कर रहे हैं। अच्छा, ईमानदारी से जो बोला हाँ। जाए तीन, लेकिन अब होता ना कि अच्छा, बहुत अच्छा या उससे भी ज्यादा अच्छा, यही मान लेते हैं कि अच्छा। ऐसे आदमी को दिया जो सत्ता भी ऊपर बना दे ना। आपके मोहल्ले का, मोहल्ले में क्या माहौल चल रहा है इस समय बदलाव का? मिला जुला हो गया है क्योंकि तीनों जुड़े हुए हैं उसी मोहल्ले से। तीनों? अच्छा, तीनों जुड़े हुए हैं। हाँ, तो मिला जुला, तो मोहल्ले का माहौल मिला जुला हुआ है। यहाँ पर कुछ और भैया हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल सोनी। अनिल सोनी जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम नई बस्ती के रहने वाले, वार्ड क्रमांक 13 से। वार्ड क्रमांक 13 से। तो आपके मोहल्ले में क्या चल रहा है? सीधा एक तरफा कांग्रेस का है। एक तरफा कांग्रेस का है, है ना, चूंकि वो सिद्धार्थ तो उसी मोहल्ले के रहने वाले हैं, उसी मोहल्ले से भी रहने वाले हैं। दूसरी बात, परिवर्तन की लहर भी है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी पब्लिक बनाना चाहती है। अच्छा, तो इसीलिए एक तरफा हिसाब किताब चल रहा कांग्रेस। अच्छा, सांसद जी के काम से लोग खुश नहीं है क्या? ना खुश है, चूंकि 20 वर्ष हो गया और सतना देखिए आज कितना पीछे पहुंच गया है। यहीं पे आप रीवा में देख लीजिए, रीवा में आप चले जाए तो रीवा में आदमी घूम जाता है कि कितना विकास है, लेकिन हमारे यहाँ सांसद जी 20 साल से रह रहे हैं, 20 साल से सांसद जी कोई विकास नहीं हुआ। सांसद जी कहते हैं हम रीवा को, सतना को रीवा से आगे ले जाएंगे। अरे जब आपने 20 साल में कुछ नहीं कर पाए तो अब इस बार फिर आप कहेंगे कि हमको अभी तक हमने सांसद रहे 20 साल, अब हमको विधायक बनाइए तब हम कुछ कर पाएंगे। जब आपने 20 साल में कुछ नहीं कर पाया तो 5 साल में अब आप क्या कर पाएंगे? अच्छा, मतलब आपको लगता है कि इस बार बदलाव होना, बदलाव होना चाहिए। और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप इधर आ जाइए भैया। क्या नाम है? सनी नारंग। कहाँ के रहने वाले हैं? सतना का ही। सतना जी। किस मोहल्ले के? बांधवगढ़ कॉलोनी। बांधवगढ़ कॉलोनी, चलिए बहुत अच्छा इत्तेफाक है कि आप नई बस्ती सिद्धार्थ कुशवाहा वहाँ रहते हैं और आप बांधवगढ़ कॉलोनी सांसद गणेश सिंह वहाँ रहते हैं। जी जी। क्या माहौल है आपके मोहल्ले में? 20 साल पुराना बदलाव होना चाहिए। अरे आप पड़ोसी होके बदलाव कर रहे हैं, क्या हुआ? जरूरी ना, बगल में भी होते तो भी बोलते ऐसा। जी बिल्कुल। क्यों बदलाव होना चाहिए, क्या लगता है आपको कि बीजेपी के शासनकाल में क्या कमी रह गई? नहीं, बीजेपी या वो नहीं, 20 साल आपको मौका दिया, एक मौके में आपको दिखाना चाहिए काम, दो मौके में नहीं दिखा, चार मौके में के बाद अगर आप नहीं दिखा पा रहे हो तो मतलब आप में कमी है। अच्छा। कमी देखिए, मैं व्यापारी हूँ,
यहाँ आए से 20 साल पहले जो व्यापार होता था अगल बगल के गांव आते थे, अब नहीं आ रहे, सब इधर उधर हो गए, है ना। तो ये कमी है ना, दिन पर दिन व्यापार कम होता जा रहा है। अच्छा हाँ, और नई प्रकार से कोई भी चीजें नई नहीं आ रही यहाँ पर, नई नहीं आ रही चीजें। आप देखो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, 50 किलोमीटर दूर रीवा है उधर जा रहा है। आज से 20 साल पहले रीवा कहाँ था और आज कहाँ है। हम 20 साल पीछे पहले रीवा में से आगे थे, अब हम रीवा से 20 साल पीछे हो गए। इतने पुल बन रहे हैं, इतना वो आ रहा है, मतलब हर चीज आप देखो ना। नहीं तो सांसद जी भी कहते हैं, बीजेपी कहती है कि हमने सतना का काम किया, मेडिकल कॉलेज बनाया, फ्लाईओवर बनाया। फ्लाईओवर आप चढ़े होंगे ना, फ्लाईओवर की हाइट इतनी मतलब कर दी है, फिसल पट्टी बना दी है, यहाँ से चढ़ो वहां से फिसल जाओ। रीवा में 4 फ्लाईओवर बन गए, अब इनका अभी एक ही तैयार हुआ। अच्छा। वो भी एक आधा छोटा कर दिया। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अभिषेक नायक है, मैं उमरी से रहता हूँ। उमरी के हैं अभिषेक नायक जी। जी क्या लगता है आपको, उमरी का माहौल किधर है इस बार? देखिए उमरी का नहीं, पूरे सतना जिले का माहौल, पूरे मध्य प्रदेश का माहौल कांग्रेस तरफ है। 150 सीटों से कम नहीं आएगी, ये मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। अच्छा। हम देख चुके हैं शिवराज को कोई नहीं पसंद कर रहा, अब तो भैया उनको विदाई जरूरी। अच्छा, आप शिवराज जी को से नाराज हैं या स्थानीय प्रत्याशी से? खास व्यक्तिगत उनसे ही नाराजगी है। हाँ, घोषणा मंत्री है, जब जहाँ भी जाते हैं वहाँ जिला बना देते हैं, वहाँ घोषणा पे घोषणा करते हैं। आज तक कोई घोषणा अगर कंप्लीट हुई हो तो बताइएगा मुझे, कोई भी नहीं हुई। अभी अभी हाल ही में शिवराज जी ने एक घोषणा की है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए यहाँ वो एक बहुत बड़ा हब बनाएंगे। वो सब चुनाव जब आना होता है 1 साल पहले सब बनाने लगते। मेडिकल कॉलेज बन जाएगा, पैयर में अभी जिला ही बना दिया गया है, ऐसी सब बनाते जाएंगे। वो जब चुनाव जीत जाएंगे फिर आते नहीं, फिर उसमें कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता, वो सब दिखाने वाली बातें हैं। मगर हम एक बार बदल के देखेंगे। कमलनाथ 13 महीने रहे, 13 महीने में उन्होंने कुछ काम तो किया था, ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया, मगर ये है कि उसको बदल के देखेंगे। अब उनको 5 साल देंगे। आप देख रहे हैं कि हम अभी पन्नीलाल चौक के पास, ये सौखी लस्सी वाले के पास आए हैं और अचानक हम पहुंचे, हमें लगा कि यहाँ कई लोग खड़े हैं, और ताकि हमारे वीडियो की निष्पक्षता भी बनी रहे और जिन जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं ये सब अलग अलग कॉलोनी के हैं, सबका ज्यादातर रुझान अभी कांग्रेस की ओर जा रहा है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम संतोष कुमार जैन है, मैं पन्नीलाल चौक में पान का व्यवसाय करता हूँ। अच्छा, तो क्या है माहौल पन्नीलाल चौक का? पन्नीलाल चौक का विसर्जन है बीजेपी का। बीजेपी का विसर्जन? बिल्कुल विसर्जन है मध्य प्रदेश में। आम जनता से रास्ते चलते किसी से आप पूछिए, यह सांसद पिछले 4 पंचवर्षीय में, 4th पंचवर्षीय है, इसमें भी सांसद है, 3 पंचवर्षीय बीत गई, 3 पंचवर्षीय में 7 विधानसभा है, सांसद जी की 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा में किसी विधानसभा का, सतना छोड़िए, किसी विधानसभा का भरपूर विकास करवा दीजिए। इन्होंने विकास किसका किया है? जो जातिवाद हैं, उनके घर के सामने बिजली के खंभे लगवा दिए, उनके घर के सामने हैंडपंप लगवा दिया ताकि जाति को फायदा पहुंचे, अदर वोटर हमारा कुछ नहीं है। जब तक सांसद थे सिर्फ लोकार्पण करना, भूमि पूजन। आप मेडिकल कॉलेज की बात करें, मेडिकल कॉलेज सतना में कांग्रेस की देन है भूमि पूजन, इन्होंने स्वागत कर दिया, इन्होंने बनवा दिया, उद्घाटन कर दिया, तो क्या ये इनके, ये अपना पाए भाई ले रहे हैं? आपकी नाराजगी सांसद गणेश सिंह से है कि बीजेपी से यहाँ अभी इस चुनाव में? दोनों से नाराजगी, प्रत्याशी से भी है और बीजेपी से। मौजूदा समय में 5 साल से सिद्धार्थ कुशवाहा यहाँ विधायक है, तो उनके काम से आप कितने संतुष्ट है? मौजूदा समय में मैं नहीं, आम सतना का मतदाता, अगर उन्होंने 100% में नहीं तो 10% सदस्यों की, 10% मतदाताओं की सहयोग किया है। अगर भरपूर मदद नहीं किया है तो सहयोग किया। अगर किसी मतदाता ने फोन करके उनको बुलाया, भैया मेरे को ऐसी परेशानी, वो घंटे आधा घंटे में नहीं पहुंचे तो 2 घंटे बाद उसके पास पहुंचे हैं। अच्छा। अगर वो नहीं पहुंचे तो उन्होंने अपना व्यक्ति उसके पास भेजा, क्या परेशानी है? एक और प्रत्याशी है बीएसपी से, शिवा चतुर्वेदी, जो बीजेपी से अभी आए हैं। आपको क्या लगता है कि वो कितना इम्पैक्ट रहेगा उनका इस बाजार में? इसके लिए तो भाई शिवाजी तो है ही हैं, इन्होंने अपना भविष्य चौपट कर लिया है,
ये लड़ना नहीं चाहते थे, इनको किसी और लोगों ने लड़वा दिया है। ये लड़वा दिया जातिवाद के चक्कर में कि वोट कटे और बीजेपी के कांग्रेस को ना मिले वोट, कांग्रेस को वोट ना मिले। कुछ लोग कहते हैं बीजेपी को ना मिले, कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस को ना मिले। नहीं नहीं, जो पंडित बात समाज और भी लोग हैं, और भी लोग हैं, आपकी जबरदस्त नाराजगी है बीजेपी से, स्थानीय प्रत्याशी से, कुछ और युवा लोग हैं, आप आइए भैया। क्या नाम है आपका? अमित गुप्ता। अमित गुप्ता कहाँ के रहने वाले हैं? पनीलाल चौक। पनीलाल चौक, क्या माहौल है? माहौल सबका अच्छा है। सबका अच्छा है, हाँ जी। किस पार्टी की ओर क्या लगता है कि इस बार विधायक कौन बनेगा? विधायक अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी वोटर जो है कुल के सामने नहीं आ रहा है। कुल के सामने नहीं आ रहा है। आपके मोहल्ले का रुझान आपको कुछ समझ में आ रहा है कि इस बार क्या सरकार रहेगी या बदली जाएगी? हो सकता है परिवर्तन भी जरूरी है। परिवर्तन भी जरूरी, हाँ। है। अच्छा, मौजूदा समय में सांसद और विधायक ये दोनों सिटिंग है, दोनों में सबसे अच्छा काम किसने किया? देखिए, जिसकी सरकार नहीं थी उसको काम करने नहीं दिया गया, और जिसकी सरकार थी वो काम तो कर रहे थे लेकिन दिख नहीं रहा था कहीं। इनका कहना है जिनकी सरकार थी उन्होंने जो काम किया है वो काम दिख नहीं रहा, और जिनकी सरकार नहीं थी उनको काम करने नहीं दिया गया। ये चाय वाले भैया हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। जी, आप सबको चाय पिलाते हैं, आपके यहाँ मेजोरिटी जुड़ती है, तो क्या लग रहा है इस बार कि सतना में क्या होने वाला है? सतना का अगला विधायक कौन बनेगा? तो क्या कह सकते इसके बारे में? अच्छा, आप व्यापारी आदमी हैं, खुल के बात नहीं करेंगे? जी, यस। इनकी अपनी एक मजबूरी है, ये व्यापारी हैं, इन्हें लगता है कि यदि हम एक पक्ष में बोल देंगे तो दूसरा पक्ष हमसे नाराज होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।